हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने ऐप को प्ले स्टोर पर कैसे अपलोड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र या फिर कोई भी ब्राउज़र हो उसको ओपन कर लेना और यहाँ पे टाइप करेगा गूगल प्ले कंसोल। तो यहाँ से आपका जो गूगल प्ले कंसोल होगा, अगर आपने परचेस किया होगा तो यहाँ से ओपन हो जाएगा। अगर आपने परचेस नहीं किया है तो आपको सिंपल सा परचेस कर लेना है पहले। तो गूगल प्ले कंसोल का यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का गूगल प्ले कंसोल का डैशबोर्ड ओपन होके आता है। और इसके बाद से आपको सबसे जब ओपन करते हैं तो यहाँ पे पहले आपको अपनी आईडी को वेरीफाई करना होता है, जिसमें कि आप अपना पैन कार्ड ऐड कर लीजिए और सिंपल सा अपना जो बेसिक डिटेल है वो सारी डिटेल यहाँ पे करेक्टली आपको फिलअप करना है। याद रखना है कि आपको फर्स्ट टाइम ही आपका जो वेरीफाई हो जाए उसमें, क्योंकि अगर आप दोबारा करते हैं तो ब्लॉक भी कर देता है। तो इस वजह से केयरफुली आप उसको पिन को वेरीफाई कीजिए। करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा, कुछ 2-4 घंटे के अंदर ही हो जाता है। और इसके बाद प्ले स्टोर पर अपलोड करने के लिए ऐप को क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे दिखाते हैं। लाइक यहाँ पे AV फाइल है, यानी कि आपका साइन बंडल एक होना चाहिए प्ले स्टोर पर अपलोड करने के लिए। उसके बाद से आपके पास एक लोगो होना चाहिए जिसकी साइज़ 512 एंड 512 हाइट एंड विड्थ होनी चाहिए। तो यहाँ से मैंने लोगो क्रिएट किया हुआ है। तो लोगो आप कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल सा यहाँ से आप कैनवा का यूज़ करके आप अपना लोगो क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद से आपको एक बैनर इमेज चाहिए जो कि जिसकी साइज़ होनी चाहिए 1024 एंड 500। तो यहाँ से हम एक बैनर इमेज क्रिएट किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो कैनवा से बहुत सारी अच्छे अच्छे इमेज आप क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइप करेंगे यूट्यूब थंबनेल, तो यूट्यूब थंबनेल के अकॉर्डिंग सारे बहुत सारे यहाँ पे आपको टेम्पलेट मिल जाते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे और जो फ्री हो आप उसको यूज़ कीजिए। और उसको मैं एडिट करने के बाद यहाँ पर अपना बैनर इमेज बना सकते हैं। इमेज बनाने के बाद उसकी साइज़ यहाँ पर परफेक्ट नहीं रहा क्योंकि वो यूट्यूब के साइज़ के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर हमने पेंट को ओपन किया है और यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करेंगे, रीसाइज एंड इसको अनटिक कर देंगे, यहाँ पे इसको टिक कर देंगे। इसके बाद देख सकते हैं इसकी करंट इसकी साइज़ है, यानी 1280 है एंड 720 है। तो फिलहाल हम यहाँ पे 1024 500 यहाँ पे हाइट और विड्थ कर लेनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसाइज हो गया हमारी इमेज। तो इस तरह से आप अपना जो इमेज होगा यानी कि बैनर इमेज होगा रिसाइज कर लेना है। और यहाँ पर हम इसको यहाँ पर फाइल पर जाएंगे, सेव एज कर देंगे। यहाँ पर इस पर हम इसको अपलोड कर देते हैं। इसका नेम सिंपल सा आप चेंज कर सकते हैं, जो भी नेम रखना चाहते हैं। तो यहाँ मैं रख देते हैं बैनर। तो हमें एक बैनर इमेज चाहिए होता है प्ले स्टोर पर अपलोड करने के लिए। सेव पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सेव हो चुका है। और इसके बाद हमें एक चीज़ और चाहिए होती है, वो होती है ऐप की स्क्रीनशॉट। तो ये हमारा बैनर इमेज हो गया, बैनर इमेज का साइज भी मैंने रिसाइज कर लिया। स्क्रीनशॉट आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे preview.app का एक वेबसाइट है, यहाँ से आप इसको अपने ऐप के लिए स्क्रीनशॉट जनरेट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सिंपल सा देख करके ओपन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर क्रिएट हो जाने के बाद PNG पे जाएंगे, फ्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा जिप फॉर्मेट में और आपको इसको ओपन कर लेना। ऑनलाइन ही बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, आप सिंपल सा उसको भी देख करके आप वहाँ से भी कहीं से भी जनरेट कर सकते हैं अपने स्क्रीनशॉट अपने एप्लीकेशन के लिए। तो हम इसको यूज़ करते हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाउनलोड हो गया सारा इमेज। तो इसको हम कर लेंगे कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट कर दें। सारा डिटेल हमारा एक जगह पर एक फोल्डर के अंदर आ चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं सारी रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पे रख लिया है। तो सब कुछ आप एक जगह पे रख लीजिए। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चाहिए, मेनली ऐप का नेम, ऐप का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ऐप का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, एक ईमेल चाहिए और आपको एक प्राइवेसी पॉलिसी चाहिए अपने एप्लीकेशन का। तो प्राइवेसी पॉलिसी कैसे जनरेट करते हैं किसी भी एप्लीकेशन के लिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप सिंपल सा उसको देख करके प्राइवेसी पॉलिसी अपने एप्लीकेशन के लिए जनरेट कर सकते हैं। फिलहाल हमारा यहाँ पे सारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है प्ले स्टोर पर अपलोड करने के लिए ऐप को। तो फिलहाल हम यहाँ से अपने प्ले स्टोर पर आ जाएंगे, यहाँ पर क्रिएट ऐप पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे जो बाकी सारे जो डिटेल्स है यहाँ पे हमें फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का नेम है, तो सिंपल सा हमने एप्लीकेशन का नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम कर देंगे कॉपी। और यहाँ पे एप्लीकेशन का नेम आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। इसके बाद से डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है, तो यहाँ पे ENG भी है, तो अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे अपनी लैंग्वेज को चेंज करेंगे, ENUS सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद से ऐप का नेम है, तो अगर ऐप है तो ऐप करेंगे, गेम है तो गेम करेंगे। तो फिलहाल हमारा जो एप्लीकेशन है वो ऐप है, तो ऐप पे सेलेक्ट कर देना है। एप्लीकेशन हमारा फ्री है तो फ्री चूज़ कर लेना, अगर पेड है तो पेड करना है। फिलहाल यहाँ पे हम फ्री पे चूज़ कर लेंगे। और इसके बाद नीचे आएंगे, आपको फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पर डिक्लेरेशन में तीन यहाँ पर आपको टिक करना होता है, तो तीनों को यहाँ पर आपको टिक कर लेना है और क्रिएट ऐप पर सिंपल सा क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्रिएट ऐप पर क्लिक करेंगे, इसके बाद हमारा इस एप्लीकेशन का डैशबोर्ड है यहाँ से ओपन हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन होके आता है। पहले आपको मिलेगा स्टार्ट टेस्टिंग, अगर टेस्टिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम यहाँ पे कोई भी ऐप टेस्टिंग नहीं करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड करेंगे।
तो यहाँ पे सेटअप योर ऐप है, इसको आप यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे सारा जो डिटेल मिलेगा आप देख सकते हैं, सारा डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप सबको यहाँ पर फिलअप करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अपडेट आया हुआ है सेटअप प्राइवेसी पॉलिसी, यानी कि सबसे पहले आपको प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पर ऐड करवा रहा है। तो यहाँ पर हम अपनी प्राइवेसी पॉलिसी का URL सबसे पहले यहाँ पर ऐड कर देंगे, जो कि न्यू अपडेट है ये। तो इसमें कोई ज़्यादा कोई वो इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल, हमें जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूछेगा सारा डिटेल हमें यहाँ पे हमें फिलअप कर लेना है। तो हम यहाँ से ऐड कर लेंगे अपनी प्राइवेसी पॉलिसी का URL, सेव पर क्लिक कर देंगे। फिर से यहाँ पे बैक जाएंगे, डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा ऐप एक्सेस है इस पर हमें क्लिक करना है। और फिर से हमें यहाँ पे पूछेगा कि आपका जो एप्लीकेशन है ऑल एक्सेस है कि नहीं, ऑल पर आपको टिक कर देना है, सेव पर क्लिक कर देंगे। फिर से डैशबोर्ड पर जाएंगे एंड अगेन क्लिक ऑन एड्स। इसके बाद अगर आपके एप्लीकेशन में ऐड है एस पे क्लिक कीजिए, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके सेव कर देना है। फिर से यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ पे हमें मिलेगा कंटेंट रेटिंग का ऑप्शन, तो कंटेंट रेटिंग पे सिंपल सा क्लिक कर देना है। स्टार्ट क्वेश्चनियर, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको इसका आंसर यहाँ पे देना होगा। तो उससे पहले आपको यहाँ पे जो डिटेल है आपको फिलअप करना है, तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी आपको ऐड कर लेना है। कोई भी ईमेल आईडी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस ईमेल आईडी पर जब ये ऐप आपका लाइव हो जाएगा तो वहाँ पर आपका नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो आप कोई भी ईमेल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आपका जो एप्लीकेशन है किस कैटेगरी से बिलोंग करता है उस कैटेगरी को चूज़ कर लेना है। मेरा ऑल ऐप है तो यहाँ पे ऐप से क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप सिंपल सा नो कर दीजिए। आप चाहें तो इस क्वेश्चंस को रीड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब पे नो कर दिया और इसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। फिर से यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे एंड सबमिट कर देंगे और सबमिट हो चुका है। फिर से हमें आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पर जाना है और यहाँ पे टारगेट ऑडियंस है इसको भी हमें क्लिक कर देना है। आप किस टारगेट को, किस एज ग्रुप को टारगेट करना चाहते हैं यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे 18 प्लस करके। और अपील टू चिल्ड्रन, हमारा एप्लीकेशन कोई भी चिल्ड्रन को अपील नहीं कर रहा है, नो पे टिक करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर सेव कर देंगे, डैशबोर्ड पर जाना है और यहाँ पर न्यूज ऐप है तो न्यूज ऐप पर क्लिक करेंगे। हमारा एप्लीकेशन कोई न्यूज नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। अगर आपका एप्लीकेशन न्यूज है तो आप एस पे क्लिक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको फिलअप करना होता है। अगर आप नो पे करना चाहते हैं नो पे क्लिक कर लीजिए और नो पे कर लेंगे। हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे COVID-19 ट्रैकिंग का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे आपको सिंपल सा नीचे वाले पे क्लिक करना है और सेव पर क्लिक कर देंगे। फिर से आपको डैशबोर्ड पर जाना है। आप देख सकते हैं इतना इन्फॉर्मेशन हमारा फिलअप हो चुका है। अब यहाँ पे डेटा सेफ्टी का पार्ट है, इसको ओपन करेंगे और फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है बस, और इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे बस, आपका फर्स्ट टाइम ही आता है तो दूसरी बार करेंगे तो डायरेक्ट यहीं पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे सिंपल सा नो कर दीजिए। अगर एस करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन से रिलेटेड तो कर सकते हैं, फिलहाल आप सिंपल सा नो ही कर दीजिए। अगर आपके एप्लीकेशन में सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ है तो भी आप नो ही कीजिए और प्रोसीड कीजिए। अगर कुछ इशू आता है उसके बाद आप उसमें अपडेट कीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे स्टोर लिस्ट सेटिंग में आ जाएंगे और कैटेगरी यहाँ पे चूज़ कर लेना जो आपका एप्लीकेशन है। अगर आपको कैटेगरी नहीं पता है तो कैटेगरी आप गूगल प्ले स्टोर से उस टाइप्स के एप्लीकेशंस को सर्च करके भी देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन किस कैटेगरी से, और उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टैग भी अप्लाई कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने टैग भी ऐड कर दिया। इसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस है तो आप अपनी ईमेल एड्रेस डाल दीजिए और यहाँ पर फ़ोन नंबर है और वेबसाइट है ऑप्शनल, आप इसको कर सकते हैं और नहीं है तो कोई इशू नहीं है। फिर से सेव पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सेव हो चुका है स्टोर सेटिंग का पार्ट। फिर से यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ पे हम जाएंगे नीचे, फिर से सेटअप योर ऐप, यहाँ पे हमारा लास्ट स्टेप है स्टोर लिस्टिंग का पार्ट। तो सेटअप योर स्टोर लिस्टिंग, इसको ओपन करेंगे, कुछ सेकेंड का वेट करेंगे, उसके बाद हमारा स्टोर सेटिंग का पार्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेन स्टोर लिस्टिंग का पार्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है और इसके बाद यहाँ पे सारे जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे हमें ऐड करना होगा। लाइक यहाँ पे हमें ऐप का नेम, ऐप का लोगो, डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, बैनर, स्क्रीनशॉट्स, ये सारी चीज़ें। तो हम यहाँ से अपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को सिंपल सा कॉपी कर लेंगे। अगर आपका एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम है तो आप सिंपल सा सारी चीज़ें रखिए। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कैसे प्ले स्टोर पर अपलोड करते हैं उस एप्लीकेशन से रिलेटेड, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप सिंपल सा एक दो लाइन बस लिखिए स्टार्टिंग में, क्योंकि ज़्यादा आप लिखते हैं तो उससे इशू होता है।
और किसी का कंटेंट आपको डायरेक्ट कॉपी नहीं करना है, आपको अपना कंटेंट ही आप लिखिए, जो कि एक दो लाइन का स्टार्टिंग में लिखिए, बाद में आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से अपने लोकेशन को सिंपल सा कर लेंगे कॉपी, क्योंकि हम अपने लोगों को ऐड करना चाहते हैं, तो लोगों हमने इस फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। आप सिंपल सा ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ से डायरेक्ट अपने फोल्डर पर जा कर के इसको अपलोड करेंगे। अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड पे जाएंगे और यहाँ पे बैनर इमेज है जिसकी साइज़ 1024 एंड 500 मैंने किया हुआ था इस इमेज को। अगर इसकी साइज़ कम या ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे अपलोड नहीं होता है, तो आपको करेक्ट साइज़ के अकॉर्डिंग ही इमेज को अपलोड करनी होते हैं। ये हमारा स्क्रीन शॉट है, तो हम अपने स्क्रीन शॉट को यहाँ पे मैंने क्रिएट किया हुआ है, इसको हम यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो सारे स्क्रीन शॉट को आप यहाँ पे अपलोड कर लीजिए। तो मैंने ऑलरेडी बताया हो कि स्क्रीन शॉट कैसे अपलोड किया जाए, कैसे ऐड करते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं। तो अगर और भी किसी दूसरे डिज़ाइन का करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ऑनलाइन पे आप सर्च कीजिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगे स्क्रीन शॉट क्रिएट करने के लिए। तो मैंने ऑलरेडी एक डेमो दिया हुआ है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और जहाँ पर भी आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्क्रीन शॉट को इसकी प्लेसिंग को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे टैबलेट का अगर स्क्रीन शॉट देना चाहते हो वो भी दे सकते हैं, वो सारे ऑप्शनल हैं, जितना इंपॉर्टेंट है बस हम वो आपको बता दे रहे हैं। लाइक यहाँ पे टैबलेट का है, तो टैबलेट में अगर आप अपना बैनर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं डालना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो हम यहाँ पर फिलहाल आपको डाल के दिखा देते हैं, ये हमारा टैबलेट का स्क्रीन शॉट है। और अगर कोई आपके पास वीडियो है तो आप वीडियो का URL भी आप यहाँ से पास करते हैं, आपको शॉर्ट वीडियो का URL नहीं दे सकते, आपको लॉन्ग वीडियो का URL आपको पास करना होगा। तो इसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें फिल करने के बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। हमारा स्टोर सेटिंग का पार्ट यानी स्टोर लिस्टिंग का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं वो स्टेप हमारा स्टोर क्लोज हो गया। सबसे लास्ट में यहाँ पे अब आना है पब्लिश योर ऐप, इसको आपको एक्सपेंड करना है और यहाँ पे आपको ऐड कंट्री पे क्लिक कर देना है, सारी कंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे एंड ऐड कंट्री और रीजन पे सिलेक्ट करना है, क्लिक ऑन ऐड, यहाँ पे सारी कंट्री यहाँ पे ऐड हो जाएगी। क्रिएट न्यू रिलीज पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको अपने साइंड बंडल यानी कि आपको साइंड AV फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है, जो कि आपका कोई भी ऐप हो, फ्लटर का हो, एंड्रॉयड का हो या फिर जो भी आप एप्लीकेशन आप बनाए हुए हैं उसका AV फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। अपलोड पे क्लिक करेंगे और उस लोकेशन पे हम आ जाएंगे जहाँ पे हमने अपनी फ़ाइल को रखा हुआ है, ये हमारी AV फाइल है, इसको हम यहाँ से अपलोड कर लेंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पे रिलीज नोट्स है, तो आप रिलीज नोट में क्या लिखना चाहते हैं, लाइक यहाँ पे कुछ अपडेट्स आप दे रहे हैं या फिर कुछ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ से बग फिक्स कर रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम है, तो यहाँ पे जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वही हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अगर आप अपडेट कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन को तो एप्लीकेशन में क्या चेंजिंग किए हैं, लाइक बग फिक्स आपने किया हुआ है या फिर कुछ फीचर्स ऐड किए हैं, वो सारी चीज़ आप यहाँ से लिख सकते हैं, जो कि स्टार्टिंग में शो हो के आता है। तो यहाँ पे अपलोड हो चुका है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेंगे। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड हो चुका है, अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे वर्जन भी अपने ऑटोमेटिक आ जाता है, सेव पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर रिव्यू रिलीज पे क्लिक करना है। इसके बाद जो आपका AV फाइल है यहाँ पे रिव्यू कर में चला जाएगा, कुछ इशू रहेगा तो यहाँ पे बता देगा, अगर नहीं कोई इशू है तो आपको सिंपल सा रोल आउट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर रोल आउट कर देना। अगर वार्निंग आता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वार्निंग से कोई इशू नहीं होता है। तो यहाँ से आपका जो एप्लीकेशन होगा पब्लिश हो जाएगा। इसके बाद एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ ये तो आपका सिंपल सा एप्लीकेशन, आप ऐसे ही अपने एप्लीकेशन को पब्लिश कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपके एप्लीकेशन में कोई लॉगिन से रिलेटेड है, लाइक यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन किया जा रहा है आपके एप्लीकेशन पे, तो आपको यहाँ पे ऐप कंटेंट पे जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऐप एक्सेस का पार्ट, इसको मैनेज पे क्लिक करेंगे और इस पर आपको क्लिक कर देना है। सेकेंड पे ऐड न्यू इंस्ट्रक्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको लॉगिन डिटेल ऐड करना है। तो लॉगिन डिटेल आप कौन सा ऐड करेंगे, सिंपल सा आपको उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो ये हमारा एप्लीकेशन, इसी एप्लीकेशन को हम पब्लिश कर रहे हैं, तो हमारे इस एप्लीकेशन में जो कि लॉगिन डिटेल है यानी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन किया जा रहा है, अगर आपका एप्लीकेशन फ़ोन नंबर से एंड पासवर्ड से लॉगिन किया जा रहा है तो आपको लॉगिन डिटेल आपको ऐड करना होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे दिखा देते हैं, तो हम पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो ये हमारा ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन किया जा रहा है एप्लीकेशन, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना नेम लिख दिया, ईमेल आईडी लिख दिया और पासवर्ड हमने 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया। ओके, रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। आपको चेक कर लेना कि आप जो ईमेल आईडी दे रहे हो, लॉगिन डिटेल दे रहे हो, वो लॉगिन हो रहा है कि नहीं। तो मैंने रजिस्टर कर दिया, अब उसी मेल आईडी एंड पासवर्ड से हम लॉगिन करेंगे। तो ये जो मेल आईडी और पासवर्ड से हम जो लॉगिन कर रहे हैं यही क्रेडेंशियल हमें देना होगा प्ले स्टोर पे। ओके, आपको ध्यान रखना है, करेक्टली आपको ऐड करना है।
तो इसको हम नेवर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका है हमारा एप्लीकेशन, और इस तरह से आपको लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन हो जाने के बाद अगर फ़ोन नंबर वाला है तो फ़ोन नंबर से आपको लॉगिन हो जाना है, और जो फ़ोन नंबर और पासवर्ड आप दे रहे हैं वही फ़ोन नंबर और पासवर्ड आपको यहाँ पर भी ऐड करना होगा। ओके, तो सिंपल सा आप नेम लिख दिए हैं, आप यहाँ पर लिख दीजिए ऐप लॉगिन एंड ऐप लॉगिन डिटेल, बस इतना ही लिख दीजिए, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैंने मेल आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन किया था, तो वही मेल आईडी एंड पासवर्ड आपको सेम ही आपको ऐड करना है। तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं अपनी मेल आईडी को और यहाँ पर पासवर्ड को जो मैंने ऐड किया था रजिस्ट्रेशन करते टाइम नहीं बल्कि लॉगिन करते टाइम जो आपको ऐड किया था वही आपको यहाँ पे ऐड करना है। अगर आपका फ़ोन नंबर एंड पासवर्ड से है, ओटीपी बेस्ड है, तो ओटीपी होने के बाद आपको पासवर्ड की भी ज़रूरत पड़ती है, तो आपको अपना फ़ोन नंबर एंड पासवर्ड आपको ऐड कर लेना होगा। ओके, बस ऐसे ही, बस इतना ही करना है, जो कि अगर लॉगिन क्रेडेंशियल है आपके एप्लीकेशन में तो ही आपको करना है, अगर आपका नहीं है तो इसमें आपको कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। तो इतना सारा स्टेप हो जाने के बाद आपका जो एप्लीकेशन होगा सक्सेसफुली लाइव हो जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर आपका कुछ इशू आता है या फिर कोई क्वेश्चंस हो आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर सिंपल सा कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको सारे स्टेप अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो मैंने वीडियो को थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया क्योंकि स्टार्टिंग में जो बेसिक डिटेल थे वो मुझे बताना था, तो जिससे कि आपको क्लियर समझ में आए कि आपको एप्लीकेशन को अपलोड करते टाइम क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। थैंक यू।